वेलकम टू स्मार्ट फाइनेंस इन डॉट कॉम। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको वोलेटिलिटी को यूज करके कैसे इंट्राडे ट्रेड करेंगे वही समझाऊंगा। हम लोग वोलेटिलिटी को कैलकुलेशन करेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज जो है उसको प्रोजेक्ट करेंगे, ट्रेंड निकालेंगे एंड उसके बाद में एंट्री एंड प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड इसको बैक टेस्ट करके देखेंगे कि ये जो टेक्निक है ये कितना काम करता है। इसलिए मैं पहले क्या करूंगा, 10 दिन का डाटा लेके, 10 दिन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस लेके मैं उसका वोलाटाइलिटी कैलकुलेट करूंगा, प्राइस रेंज उसके हिसाब से निकालूंगा वोलाटाइलिटी को बेस करके। उसके बाद में मैं फिबोनिक प्रिंसिपल यूज करके उसका ट्रेंड निकालूंगा एंड ट्रेड एंट्री करूंगा एंड आपको बैक टेस्ट करके भी उसी प्रिंसिपल को मैं दिखाऊंगा। पहले मैं क्या किया, अभी 28 मई से 10 जून तक लिया, 11 जून अभी मैं इसको 2:54 पर इस रिकॉर्डिंग कर रहा हूं एंड ये जो रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है 2:54 पर 11 जून को हो रहा है। अभी 11 जून का रिजल्ट देखेंगे हम। इधर में मेरा डाटा पॉइंट्स में रखा हूं, आप देख लीजिए डाटा, इधर में लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सो सेटलमेंट प्राइस कुछ अलग है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस हम लेंगे, लास्ट 10 दिन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस लिए हम इधर से एंड इसका वोलेटिलिटी निकालेंगे। वोलेटिलिटी निकालने के लिए हमको एक लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, उसको एलएन बोलते हैं, एलएन बोल लेंगे एंड एलएन लेके हम क्या करेंगे, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस को करेंगे। सो इसमें से हमारा एलएन निकलेगा एंड एलएन निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, एलएन का स्क्वायर निकालेंगे, एलएन का स्क्वायर निकालेंगे एंड एलएन का स्क्वायर निकालने के बाद में इसका सभी डाटा पॉइंट का एलएन एंड एलएन स्क्वायर निकालेंगे एंड एलएन एंड एलएन स्क्वायर निकलने के बाद में इसका एवरेज निकाला जाएगा। ये जो एलएन हम निकाले इसका एवरेज एंड ये जो एलएन स्क्वायर निकाले इसका एवरेज। उसके बाद में एक टर्म होता है वेरिएंस, वो वेरिएंस निकालने के लिए जो एलएन स्क्वायर का एवरेज निकाले उसको लेंगे D12 में एलएन स्क्वायर का एवरेज है एंड उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे एलएन का एवरेज का होल स्क्वायर से। एलएन का एवरेज जो है C12 में है उसका डबल मल्टीपल लेके उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वेरियंस निकल आएगा। ये वेरियंस का स्क्वायर रूट लेके उससे 100 मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा वोलाटाइलिटी निकलेगा। तो वोलाटाइलिटी बताता है 0.67, इसका मतलब है 11 जून को निफ्टी 0.67% का जाएगा। हमको ये पता नहीं है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसका भी ट्रेंड निकालेंगे। 0.67 के हिसाब से अगर हम 10 जून का प्राइस को लेते हैं तो 0.67% ये बताता है कि हमारा मूवमेंट जो है निफ्टी का वो 39 पॉइंट का होगा। सो 39 और 40 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट रहेगा, एक्सपेक्टेड मूवमेंट रहेगा, उसमें से हम अभी ट्रेंड निकालेंगे। 5906 को लेके हम फिबोनिक का जो प्रिंसिपल है, फिबोनिक का प्रिंसिपल के हिसाब से 0.382 रिट्रेसमेंट जहां पे बनता है, ये 0.382 रिट्रेसमेंट ऑफ 40 पॉइंट लेंगे तो इसमें ऑफ ट्रेंड बनता है एंड ये जो ऑफ ट्रेंड बनता है 5921 के ऊपर में ऑफ ट्रेंड बनता है, 5890 के नीचे में आपका डाउन ट्रेंड बनता है। अगर ऑफ ट्रेंड देता है तो 5946 तक आप जा सकते हैं, डाउन ट्रेंड में 5866 तक आप आ सकते हैं। बट 11 जून का क्या होगा हमको पता नहीं है। 11 जून में ये ओपन हुआ 5868 में, हम तो एक्सपेक्ट किए थे कि डाउन ट्रेंड इतना तक आएगा बट ओपनिंग में तो ही सभी टारगेट आ गया, तो क्या करें। अभी हम लास्ट जो डाटा है उसको चेंज कर देंगे, लास्ट रिकॉर्ड 5906 जो है उसको चेंज करके हम क्या करेंगे 5868 कर देंगे, 5868 कर देंगे तो हमको नया लेवल्स निकल आया। नया लेवल बोल रहा है 5882 के ऊपर में हमारा ऑफ ट्रेंड रहेगा एंड ये हमको 5905 तक ले सकता है, डाउन ट्रेंड हमको 5830 तक आ सकता है। अभी अगर आप देखेंगे 68 में ओपन हुआ, तपन तो जरूर आया होगा, उसके बाद में 77 आया तो डेस हाई बताता है कि बाय सिग्नल नहीं मिला, सेलिंग साइड में आपको ट्रिगर मिला एंड अभी का जो फिलहाल का प्राइस अगर मैं ओडिन का स्क्रीन में दिखाऊं तो आपको 5795 तक गया है, तो 100% टारगेट इसमें आज का दिन में ऑलरेडी इस प्रिंसिपल आपको दिया है विदाउट ट्रिगरिंग द स्टॉप लॉस। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे बैक टेस्ट करके 27 मई से 7 जून तक लिए,
उसी हिसाब से एनालाइज किए, हमारा बाई ट्रेंड बना 5912 के ऊपर में, ओपन हुआ 5920, टारगेट वन एंड बाई ट्रेंड में ओपन हुआ, 5940 तक गया। तो आप देखिए 100% का रिट्रेसमेंट बनता है 5940 वोलेटिलिटी के हिसाब से, आप वहां वहीं तक ही आपका डे सही रहा। जब लो बना तो 5851 तक ये बताया एंड आपका लो 5867 तक बना, मींस आपको डाउन साइड में भी दिया एंड एक लेवल ऑफ टारगेट मिला। तो आपको 100% ऑफ साइड में दिया एंड एक टारगेट वन टारगेट दिया डाउन साइड में, ये हुआ आपका सेकेंड डे का एनालिसिस का। सेम इसी तरह से बैक टेस्टिंग करके देखेंगे 24 मई से 6 जून तक का, तो भी 5933 में ये बताता है ओपन, तो जरूर तो ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बीच में खुला एंड हाई बताता है 5989 एंड आपका जो 100% रिप्लेसमेंट वो भी 5988 तक है। तो आपको सारे टारगेट्स मिले, लो बोलता है कि 5883, उसके बाद में आपका 5898 में क्लोज हुआ है, तो डाउन साइड में भी सारे टारगेट्स आपको मिले हैं। सो इस थर्ड डे में भी आपको 100% दोनों साइड में सक्सेस दिया है। सो उसी हिसाब से आपका अगर 5 जून तक लेके 6 जून का भी देखेंगे तो इधर में आपका 5900 में ओपन हुआ है, तो 5921 में आपका बनता है अप ट्रेंड, 5878 में डाउन ट्रेंड बनता है एंड ये जो आपका टारगेट्स अप ट्रेंड का मैक्सिमम 5955 एंड डाउन ट्रेंड का 5844। आप अगर देखेंगे तो हाई बना है 5869, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 5933, तो सारे टारगेट अपसाइड में दिया है आपको एंड डाउन ट्रेंड आया ही नहीं है लो से हिसाब से देखेंगे तो ये 4 दिन का एनालिसिस बताता है मोस्ट ऑफ द डेज ये सक्सेसफुल रहा है एंड इसी कॉन्सेप्ट को बेस करके हम एक सॉफ्टवेयर निकाले हैं जो ऑटोमेटेड है, इक्विटी स्टॉक इंडेक्स करेंसी ऑल्सो इन कॉमोडिटीज के लिए भी वो काम करेगा। इसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी रियल टाइम बेसिस में कैलकुलेट होगा। सपोज आपको कोई भी इक्विटी में काम करना है तो आप जस्ट चले जाएंगे कोई इक्विटी स्टॉक्स में, सपोज स्टील अथॉरिटी में काम करना है एंड मैं स्टील अथॉरिटी को चूज करूंगा एंड कैलकुलेट बटन दबाऊंगा, इसी में से ही मेरा लेवल्स निकल आएगा एंड जब ये डाटा लोड कंप्लीट हो जाएगा इधर में मेरा लेवल्स आ जाएगा एंड लेवल्स बताता है स्टील अथॉरिटी को 55 में खरीदना चाहिए एंड उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप कमिंग डाउन ये सारे चीज आ जाएगा। ये रियल टाइम बेसिस में वोलेटिलिटी निकालेगा, 10 दिन का डाटा लेके नहीं, ये रियल टाइम वोलेटिलिटी के बेसिस में इसको देगा एंड इंडेक्स को करना है तो बैंक निफ्टी चूज करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपका हो गया, उसी हिसाब से ही आपका लेवल्स निकल आएगा। अगर कमोडिटी में भी करना चाहेंगे भी आप कर सकते हैं, कमोडिटी के लिए आपको जस्ट चूज करना है, इसमें डाटा लोड होगा। सपोज मेरे को सिल्वर में काम करना है तो मैं आप सिल्वर में जाऊंगा, सिल्वर में चूज करते ही मेरा एक्सपायरी डेट आएगा, इधर में बताएगा कि 10 सेकंड में ये डाटा लोड कर रहा है, तो विद इन 10 सेकंड ये डाटा आपका लोड हो जाएगा। इसमें जुलाई सीरीज में चूज किया तो ये फिर बोल रहा है कि 10 सेकंड वेट करो, डाटा लोड हो रहा है। सो इधर में आपको करंट प्राइस देना पड़ेगा, सपोज आपको 43,800 में दे रहा हूँ सिल्वर का, अगर ये अज्यूम करके दे रहा हूँ, अभी का क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं है, अभी लोड डाटा कर देते हैं, लोड डाटा हो गया, अभी कैलकुलेट बटन दबा देंगे तो ये आपको दे देगा सिल्वर को 43,800 में, अभी का फिलहाल का प्राइस है 43,993 में खरीदो, ये स्टॉप लॉस लगाओ एंड वोलेटिलिटी के हिसाब से 45,000 तक जा सकता है एंड इन बिटवीन ये सब टारगेट्स बनेगा। सो इसी वोलेटिलिटी कॉन्सेप्ट को यूज करके कमोडिटी करेंसी स्टॉक फ्यूचर सभी में आप कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी आप कर सकते हैं, तो इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है, मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करवाया। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वही प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा।